विराट रोहित विवाद पर आखिरकार शास्त्री ने तोड़ी चुप्पी। दुनिया के सामने आई अंदर की बात। टीम इंडिया के हेड कोच रविवार शास्त्री ने पहली बार कप्तान कोहली और उप कप्तान रोहित शर्मा के बीच कथित विवाद को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। शास्त्री ने इन दोनों के बीच लड़ाई की सभी खबरों को बकवास करार दिया है। शास्त्री ने कहा कि 15 लोगों की टीम है तो जरूरी नहीं है कि सबके विचार आपस में मिलेंगे ही। इसके अलावा शास्त्री ने सभी खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि सभी को अपना रोल पता है। शास्त्री ने गल्फ्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं ड्रेसिंग रूम के इर्द गिर्द पिछले 5 सालों से हूँ। मैंने देखा है कि सभी ने कैसा प्रदर्शन किया है और कैसे टीम का सपोर्ट किया है। सभी को अपनी जिम्मेदारियाँ भी पता है। मुझे लगता है इस तरह की बातें बिल्कुल फालतू हैं। मैं टीम के साथ रहा हूँ और मुझे पता है दोनों कैसे खेलते हैं। अगर ऐसा होता तो रोहित विश्व कप में 5 सेंचुरी कैसे जड़ पाता, दोनों के बीच साझेदारी कैसे देखने को मिलती। शास्त्री ने आगे बताया कि टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल ऐसा है कि नए खिलाड़ी भी अपनी बात आराम से रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसी टीम जहां आपके पास 15 खिलाड़ी हैं, तो ऐसे मौके कई बार आते हैं जब सबके विचार एक जैसे नहीं होते हैं और यही होना भी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि सब एक ही चाल में चलते रहें। आपको खिलाड़ियों को मौका देना होता है कि वो खुलकर अपनी बात सबके सामने रख सके। मालूम हो कि विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारकर बाहर होने के बाद मीडिया में विराट और रोहित के बीच मतभेद की खबरें सामने आई थीं। यहां तक कहा गया कि टीम दो खेमे में बट गई है। मगर वेस्टइंडीज दौरे से पहले विराट कोहली ने भी ऐसी बातों को खारिज कर दिया था और विंडीज के खिलाफ सीमित ओवर के मैच में दोनों साथ मैदान पर उतरे।